नीमच में 2 दिन पहले राज मंदिर कॉम्प्लेक्स स्थित एक टूर एंड ट्रेवल्स की आड़ में चल रही फाइनेंस कंपनी पर प्रशासन ने फर्जीवाड़े की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मौके से मिले दस्तावेज खंगाले थे, जिसमें प्रथम दृष्टया ही अधिकारियों को मामला गड़बड़ नजर आया था और संचालक धर्मेंद्र परिहार भी अधिकारियों के सवाल के जवाब सही से नहीं दे पाए थे, जिससे पूरा मामला ही संदिग्ध दिखाई दिया। अधिकारियों ने अन्य दस्तावेज संचालक से मांगे, लेकिन वे अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं करवाए हैं। गौर करने वाली बात इस पूरे मामले में ये रही कि फाइनेंस कंपनी के कोई दस्तावेज मौके पर नहीं मिले और ना ही कोई फाइनेंस को लेकर लेखा जोखा मिला। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा था? और मौके पर जब प्रशासन की टीम पहुंची तो कुछ संदिग्ध लोग वहां से मुंह छिपाए क्यों खसक लिए? इसमें हमें एक सूचना मिली थी कि फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं, तो इनसे उसके बारे में जानकारी चाही गई। जैसे इन्होंने दो पार्टनर्स मिलके फर्म चला रहे हैं, तो इन्होंने बोला जो कागज़ हैं, जो भी डीड है या जो बिजनेस का रिकॉर्ड है, वो पूरा बोला कि अभी सितंबर 2018 लास्ट के 4 महीने हुए हैं शायद, तभी स्टार्ट किया है। तो बोला कि पूरा सीए के पास में है, तो कल इन्होंने अपना रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के, तो अभी एक तरीके की अभी जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वो कंटिन्यू रहेगी। कल और आके देखेंगे इनका जो कुछ रजिस्ट्रेशन का, जिन्होंने परमिशन लेटर वगैरह का, उसका हमने फोटो कॉपी रिकॉर्ड ले लिए हैं। कल और आके सीए से उपलब्ध कराएंगे, तो उनके साथ वैलिड देखेंगे, वैलिडेट करेंगे कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बैंक के थ्रू हो रहे हैं या किसी अननोन सोर्स थ्रू ने, तो वो सारी जाँच जब रिकॉर्ड मिल जाएगा, इनकी कैश बुक वगैरह बैलेंस शीट वो मिल जाएगी, तो और कल तो अभी जाँच अभी कंटिन्यू रहेगी। गौरतलब है कि शहर में ऐसी ही फाइनेंस कंपनी की आड़ में शहर में क्रिकेट सट्टे के रुपये को एक नंबर में किए जाने और सट्टे के लेन देन की खबरें काफ़ी समय से मिल रही है, जिसमें उड़ता पंजाब और डीपी सहित उसका साथी पीयूएस आईडी के सट्टे के मास्टरमाइंड होकर कई संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने में लगे हैं। ऐसे में प्रशासन की राज मंदिर स्थित फाइनेंस कंपनी पर की गई कार्रवाई को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ फाइनेंस संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले। तो आखिर यहाँ कोई अवैध गतिविधि तो संचालित नहीं हो रही है? ये एक बड़ा जांच का विषय है और इस पूरे मामले को पुलिस प्रशासन को भी संचालक और उसके साथियों के साथ पूछताछ करके खुलासा करना ही चाहिए। ये आ रही थी कि प्रॉपर इनका जो इन्वेस्टमेंट का है या जो लोन फाइनेंसिंग का, एक तो सबसे पहले इनका है कि ये लोन जो फाइनेंस कर रहे हैं इन पे शायद आरबीआई की गाइडलाइन से फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ पर्सनल रिलेशन बेसिस पे भी कर रहे हैं, तो इनका पूरा वो चेक होगा कि आप जो भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो किस किस को फाइनेंस किया, उसकी एक रिसीप्ट या कुछ जो भी है। तो बोला कि कल हम आपको सारा दिखा देंगे, तो उस जो डेटा इन्होंने जो जो भी अमाउंट फाइनेंस किया है उसे मैच किया जाएगा कि वो रसीद मैच हो रही है कि नहीं, उतना ही एक्चुअल में फाइनेंस किया है कि नहीं, और फिर इनके पास जो फाइनेंस करने का जो अमाउंट है, वो राशि है, वो कहाँ से आई, उसका सोर्स भी है। तो इनका कहना है कि वो सारा, क्योंकि अभी सितंबर ही उन्होंने सेटअप किया है, पहले टूर एंड ट्रेवल्स का बता रहे थे कि वो करते थे, वो सरेंडर करके ख़त्म करके वो कर रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई तुम्हारी आइडेंटिटी तो अभी टूर एंड ट्रेवल्स की है, तो बोले कि अभी नया ही लिया है। और इनका ये भी कहना है कि बिजनेस ये दुकान इन्होंने खरीदी हुई है, तो मैंने बोला इसे खरीदी का अभी जो ओनरशिप का है वो भी हमें प्रूफ चाहिए कि सही इसमें खरीदी है रेंट पे, या वैसे ही गलत तरीके से इसमें अपना बिजनेस का संचालन तो नहीं कर रहे हैं।